1500 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी। हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे ने 1581 घरों को 15 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। यही नहीं, रेलवे के अधिकारी, पुलिस और आरपीएफ के साथ भारी फोर्स ने 1581 घरों को चयनित कर 15 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया। रेलवे की इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे ने नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि 15 दिन के अंदर घर खाली न करने पर अतिक्रमण और बलपूर्वक हटाया जाएगा। वहीं लोगों ने रेलवे की इस कार्यवाही को मनमानी कार्यवाही बताया है। साथ ही इस मौके पर जन प्रतिनिधियों का भी जमावड़ा लगा। पुलिस प्रशासन से वार्ता भी हुई लेकिन रेलवे द्वारा घर खाली किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण है जिसको लेकर कई बार रेलवे सीमांकन भी कर चुका है। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। पहले की स्थिति में रेलवे लाइन से कम 35-40 फुट दूर पे खंभे खड़े हुए थे, इनके इससे कोई ताल्लुक नहीं था इन चीज़ का। यहाँ पर पैदाइश हमारी यहीं की है, सब कुछ यहीं का है हमारा, मगर अब ये लोग हमें परेशान करा जा रही है हम लोगों को। देखिए, एक ज़माने से लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं और रेलवे की हद में ये चीज़ नहीं है, ज़बरदस्ती है कि भाजपा शासन में ये चीज़ें लाई जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि ये क्या है, मुसलमानी बस्ती है, इनको सताया जा रहा है इस तरीके से। ये है कि सब इनको उजाड़ा जाए, परेशान किया जाए, लोगों को यहाँ से हटाया जाए। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? ये एक अरसे हो गया रहते हुए, यहाँ पर करीब 80-90 साल का अरसा हो गया लोगों को रहते हैं, बस्ती बसे हुई है। पहले जब सीमांकन था वो कहाँ पर था और अब कहाँ पर? वो रेलवे जो है अपने हद में 35 फुट जो उसकी आती है भारत में, उससे 30-35 फुट आती है अपनी उसके हद में, वो रेलवे की जगह कहलाती है। अब ये नाजायज इस तरीके से दबाया जा रहा है लोगों को, इस तरीके से साहब के पुलिस प्रशासन के द्वारा ये निशाने लगाए जा रहे हैं, ये धांधली कुछ नहीं भाजपा शासन में।